कि रसूल अक्रम सर्शाद ने फरमाया नेकी और पसंदीदा आमल अखलाक़ करीमाना से आरास्ता और मुतसफ़ होना है और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम ये नापसंद करो कि लोग उससे वाक़ हो जाएँ इस हदीस के बारे में कहा जाता है कि ये हदीस जवााम में से है यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन क़लिमात में से है जो बज़ाहिर जिनके अल्फाज बड़े मुख्तसर हैं लेकिन जब उन अल्फ़ाज़ की गहराई में जाते हैं तो हम उनमें मानी का समंदर पाते हैं जिसमें जितना लगाया जाए उतने मोती उससे बाहर निकाले जा सकते हैं इस हदीस में सबसे पहला लफ्ज़ ये आया कि अलब्र हसन अख़लो की बिर नेकी और अच्छाई की जितनी भी शाखें और किस्में हो सकती हैं वो सारी की सारी इसमें दाखिल हैं यानी खैर की सारी किस्में उन तमाम चीज़ों में सबसे बेहतर हसन खल़ है अखलाक का लफ्ज़ जब हमारे माशरे में हमारे सामने बोला जाता है तो हमारे जहन में इसका एक महदूद मफहम आता है वो ये कि हम किसी के साथ अच्छाई का मामला कर दें या किसी को कुछ पैसे रुपए दे दें जिनकी जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत हो वो उनकी ज़रूरत पूरी कर दें ये हसन ख़ुल का मफहम समझा जाता है लेकिन शरीयत में इसका मफहम इतना महदूद नहीं है चुनान्च कुरान करीम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे नुमाया खूसियत जो बताई गई है वो यही आला अखलाक है इरशाद खुदावंदी है व इ न कल अला नाज़ीम कि आप अखलाक के सबसे आला मीर पर फायज़ हैं इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन न बोस्त लतम में मकैरिमल अखलाक मेरी बियासत इसीलिए हुई है मुझे दुनिया में इसीलिए भेजा गया है ताकि मैं अच्छे अखलाक की तकमील करूँ उसको उसके आखिरी हद तक और सिरे तक पहुँचाऊँ तो जब हदीस और क़ुरान के इन नसूस को सामने रख कर हम इस अल्फाज़ पर इस लफ्स पर गौर करते हैं तो हमें इसके मफहम में बहुत ज़्यादा वसअत दिखाई देती है वो ये कि हम सखावत का मामला करें किसी के साथ अच्छाई का मामला करें ज़ालिम को जुल्म से रोकें मजलूम की मदद करें अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत पूरी करें अगर हमारा कोई भाई हमसे मिलने आता है तो हम उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ खुश अखलाक़ी और नरमी के साथ उनसे गुफगू करें और हर एक के हक़ को अदा करें ये सारी चीज़ें हसन खुल के दायरे में आती हैं इसी तरह हदीस का दूसरा टुकड़ा वस्म महकफ़ी सदरिक अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में मोमिन बंदों के लिए अपने गुनाहों को परखने का किसी चीज़ के अंदर फ़र्क करने का आया ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये फ़ेल जो हमारी तरफ़ से अंजाम दिया जा रहा है ये सही है या ग़लत इसके परखने का मीर क्या हो तो इस हदीस में मार बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो फितरत अता की है अगर वो अपनी सलामत और अपनी असलियत पर बाकी है तो वो फितरत ही इंसान के लिए सबसे बड़ा मैार है कि अगर हमारा कोई अमल हम किसी अमल को करने जा रहे हैं और हमारे दिल में खटक महसूस हो रही है हमें तरद हो रहा है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये गुनाह के दायरे में आता है इसी तरह इस मीर की मज़ीद वजाहत यह कि, कि हम अगर कोई अमल कर रहे हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर कोई दूसरा शख्स हमारे इस अमल को हमारी इस हरकत को हमारे इस फ़ेल को देखेगा तो ये मेरे लिए बड़ी रसवाई की बात होगी तो हमारे दिल में इस ख्याल का आना ही हमारे लिए सबसे बड़ा मैार है कि हम इस चीज़ को छोड़ दें इस हदीस से हमें यह पैगाम मिलता है कि हम अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए या इस हदीस का हमें ये पैगाम मिलता है कि हम अगर किसी फ़ेल को अंजाम दे रहे हैं और हमारे दिल में उस सिलसिले में कोई खटक कोई तरद और तजब्ज़ पैदा हो रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ ग़लत है और इससे हमें बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें हसन अखलाक से मुतिफ़ होने की तोफ़ी अता फ़रमाए और हर तरह की बुराइयों से गुनाहों से दूर रहने की तोफ़ी अता फ़रमाए वाण् रबालमीन